गुड इवनिंग एवरी वन। और आप लोग सोच रहे होंगे गुड इवनिंग कैसे। हाँ, आज का ब्लॉग जो है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। पहले आप ये बताइए, आज मैंने अपना लिपस्टिक का कलर चेंज किया है। किया मतलब आज मैं ये वाली इस तरीके की यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, मतलब पिंकिश या आपने ज़्यादातर इस तरीके की देखी होगी, बट मैं को लगा चलो कुछ चेंज करना चाहिए क्योंकि आज वैसे भी बहुत अपसेट सा दिन रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। और मौसम देखिए आपको कैसा हो रहा है। मौसम बहुत ही मतलब फिर से बादल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उमस तो आप नहीं कहोगे, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि बारिश फिर से आएगी, तो गाला हो रहा है। और आज का थोड़ा सा अपसेट सा दिन इसलिए था क्योंकि आज सुबह जब मैं सुबह उठी थी करीब 6 बजे, तो वेद को मैंने टच किया। वेद मेरे पास होता है और वो अपने नई नाना के पास होता है देव, तो वेद को थोड़ा थोड़ा फीवर हो रखा था, तो मैं बिल्कुल घबरा गई। आप समझ रहे हो ना इस टाइम स्थिति कैसी हो रही है। तो फिर मैं तुरंत ऊपर से, आज संडे था तो अपॉइंटमेंट लेना डॉक्टर का बहुत ही हेक्टिक था, बट ये कोरोना वगैरह की वजह से आजकल डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो फिर मैंने पूरा अपॉइंटमेंट लिया। उसको दिखा के लाई उसको और डॉक्टर से हर चीज़ कंसल्ट करी कि क्या है कैसे। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम क्या है, ये जो सीज़न की वजह से टेम्परेचर मतलब ऐसा अप डाउन हो रहा है, इस वजह से बच्चों को भी हो रहा है, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। और मतलब मैं फिर पूरे दिन में बैठ जाती हूँ, वैसे आज बहुत ही एक्टिव वाला दिन हो गया, तो इस वजह से आप बच्चों को बस मॉनिटर करते रहिए कि उनका टेम्परेचर क्या है। तो अभी दोपहर के बाद से उसको कोई फीवर नहीं आया है, मेडिसिन मैं दे रही हूँ और अभी एकदम ठीक है, तो बस यही था। उन्होंने बोला नहीं तो फिर परसों मतलब 2 दिन बाद फिर से हमें दिखाई देगा, तो अभी देखते हैं, बट अभी नहीं आया है उसको, तो यही था। फिर मैं लेट गई थी आके, सोई तो नहीं थी बट ऐसा टेंशन सी हो जाती है ना, तो वो हो रही थी मेरे को। फिर मैंने कहा चलिए, फिर अभी सब जब ठीक है, अभी मैं उन लोग को दूध वूध दे के आई हूँ फिर से, तो दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए और किचन के फिर आके काम देखते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। अभी अगर आप शाम का मौसम देखेंगे तो एकदम जैसे पेड़ देखिए आप हल्के हल्के से हिल रहे हैं, मतलब हल्का सा, बहुत तेज़ हवा नहीं है अगर आप ऐसे देख सकते हो तो। और बादल आप देखिए कितना काला फिर से हो रहा है कि बारिश शायद आएगी, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, जबकि अभी 5:30 बजे अच्छी खासी धूप रहती है। तो ये देखिए इस तरीके का है, चलिए चलते हैं अंदर और इन दोनों को देखिए, एक ही दिन में चेहरा उतर जाता है इसको। ये है वेद, इन अभी सो के उठे थे, दूध वूध पी लिया था, तो नमकीन खाने का मन था, बट इसको वो आज पता नहीं कैसे बोला नमकीन, वो लैया होती है ना, कुछ लोग मुरमुरे भी इसे कहते हैं, ये दिखाती हूँ मैं। तो मैंने फिर इसको घी में फ्राई किया और इसके लिए दिया कि चलो आप वो खाओ जो पसंद हो बच्चों को इस टाइम, क्योंकि वैसे भी हल्का सा फीवर वगैरह में नहीं आता है। तो ये देखिए देव जस्ट अभी अभी उठे हैं, देव से हेलो। ठीक है चलो। और मैं आ गई किचन में, तो पहले मैं ना दूध चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर रात में मैं गर्म करती हूँ ना, तो फिर बच्चों के लिए ठंडा भी हो पाता है, बच्चे जब रात में पीते हैं। तो अभी तो अमूल ही आ रहा है, अब यहाँ पे तो नहीं है आस पास की, जैसे भैंस वगैरह कैसे उधर मिल जाए, तो ये स्लो कर देते हैं। और आज ना ये बहुत दिक्कत है, ये जो रैक्स होती है ना, मतलब आपको भी मैं बता दूं, आपके शायद आपके यूज में आ जाए, ये जो हम लोग मॉड्यूलर किचन आप बोल रहे हैं, जो ये फर्नीचर लगता है इसमें जो रैक्स होती है ना, ये जब नई होती है तो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन इसे जब टाइम हो जाता है, जैसे मैं इस फर्नीचर की बात करूँ, हमारे इस किचन में करीब 1 साल होने वाला है, तो 1 साल के बाद ना ये थोड़ा, जैसे जब आप ऐसे करोगे ना, तो ये इतनी स्मूथली नहीं खिसक सकती है, मतलब फंसने लगती है क्योंकि जंग वगैरह लग जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे, ये रैक आप कैसे गाल सकते हो और ये कैसे साफ कर सकते हो। प्लस मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे मैंने ये पूरी अपनी रैक साफ कर ली है, मीन्स ये वाला जो पूरा फर्नीचर है ये इधर का, जैसे ये पूरी धूली है, ये देखिए तो कितना स्मूथली सब खिसक रहा है, ये वाली मैंने जैसे साफ कर ली। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप करो तो जैसे ये रैक कोई भी खोलो और जब आप उसे साफ करो, तो उसके नीचे जो कार्टन होता है ना, आपके घरों में आता ही रहता है नॉर्मल, जैसे किसी भी चीज में सामान में आता है, तो आप वो बिछा दो, तो उससे इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हो कोई तेल के निशान है, या जो पानी है, जैसे मैंने हमने ग्लास रख दिया पानी टप का, तो वो इसी में सोख लेगा। तो इससे क्या होगा आपका कि आप ये जो कार्टन है ना, ये आप 1-8 महीने में चेंज कर सकते हो। और मैं जैसे कर देती हूँ, मैं देखती हूँ जैसे जो रेगुलर यूज होते हैं अलमारियां, तो उसमें मैं 15-20 डेज में ये चेंज कर देती हूँ।
तो इससे एक तो क्या होता है कि वो जो पानी है नीचे नहीं खिस, जैसे नीचे नहीं टपक के जाता है। इससे क्या होता है जो दो तीन लेयर जो भी होती है, अब जैसे मान लीजिए इससे कोई पानी टपकेगा तो वो मेरी इस लेयर में जाएगा, तो मतलब ये मेरा बर्तन में भी निशान पड़ेंगे प्लस इसमें भी निशान पड़ेंगे और वही फिर ज्यादा कलर होता है। तो ये मैंने पूरा साफ कर लिया है, इसमें कार्टून नहीं बिछे हुए हैं, मैंने नहीं बिछाए हैं क्योंकि एक तो ये वाला सेक्शन है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये मेरा वो है जिसमें चमचे वगैरह और इस तरीके की चीजें रखती है। तो ये देखिए जैसे मैंने रखा है इधर कद्दूकस, इधर मैंने कटोरियां लगा रखी हैं, इधर नाइफ वगैरह है। तो ये सब देखो अगर आप, मैं इसको बताऊं ना तो ये देखिए ये प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको साफ करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट यही है जैसे मैं इसमें भी कार्टन बिछाऊंगी और इसको निकाल के पूरा साफ करूंगी, ये आपको करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे इसमें दूसरे तरीके का है उसमें भी मैं बिछा दूंगी, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आप निकालोगे और कैसे करते स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने ये रैक खींची, जब आप ये रैक खींचोगे तो देखना आप अपनी रैक्स में इस तरीके की एक वाइट क्लिप लगी होगी, तो इसको आप करोगे ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, तो एक तरफ की जाएगी ऊपर और इसी के जो दूसरे साइड लगी है वो जाएगी नीचे और बस आप इसको खींच के निकालोगे। जैसे मैं आपको बताऊं ये मैंने ऊपर करी और इस साइड की मैंने नीचे करी, तो ये देखिए ऐसे दबाए रखा मैंने और ये पूरी मेरी रैक निकल गई। अब इसको मैं रखूंगी यहाँ और पूरा साफ करूंगी। तो इसको आप अच्छे से धो लीजिए, जैसे मैंने तो यला ले लिया है, आप चाहो तो स्कॉच ब्राइट से भी धुल सकती हो, बट इसमें मेरे में तो आज जंग बहुत इस बार लग गई थी तो मैंने उसको अच्छे से रगड़ लिया। आप किसी से भी साफ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और बस लास्ट में आपको इसको कॉटन के कपड़े से सुखा देना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो रैक है मैंने पूरी साफ कर दी है, आप देखो, और उसको अच्छे से पोंछ दिया है, काफी साफ हो जाती है, हल्का सा गीला है तो एक कॉटन साफ पोंछ दो। और ये देखिए इस तरीके का मेरे पास, जैसे कोई जैसे होता है ना साड़ी के डब्बे या फिर कुछ ऐसे होता है पतला भी लगा सकते हैं, जैसे इस वाले रैक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें पतली पतली पार्टीशनिंग होती है, बट जैसे मैंने ये बीच से काट दिया, ये वाला एक मेरे पास था तो जैसे एक ये मैं इधर कर दूंगी इस तरीके से, बस आप सेट कर दो और फिर आप ऐसे नॉर्मल बर्तन रख सकते हो, तो यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो फिर आप इस तरीके से रख सकते हो। तो आप ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है और आपका किचन भी आराम से सेट हो जाएगा। और लास्ट में आपने क्या करना है, जैसे कोई भी आप टूथब्रश ले लो या जो भी हो आपके पास ग्रीसिंग के लिए, तो ये जो इसके चैनल होते हैं ना इसमें आप नारियल का तेल लगा लो, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट करने लगता है। तो मैं क्या है जो जितना पूरा चैनल है मैं ऐसे कर लेती हूँ, मंथ में एक बार, टू मंथ्स में एक बार, जिस तरीके से आपके यहाँ जो चीज़ जैसे यूज में आती हो, बट ये तो रेगुलर डेली का काम है। तो ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा आप इस चैनल्स में भी लगा दीजिए, बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत सबको ये प्रॉब्लम आती है, मतलब जब वो जंग वंग लग जाती है ना तो वो फंसने लगते हैं, तो बस ये थोड़ा सा आप नारियल का तेल लगाइए इसमें, एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए जब ये पूरी हमने अरेंज कर दी, देखिए इस तरीके से, और आप इसकी स्मूथनेस देखिए इस तरीके से, और फंस के गिर जाता है वो स्पून बड़े मैगी वाले, ये देखिए अपने आप बंद हो जाएगा, बहुत परफेक्ट है, आप इसको एकदम ट्राई करिएगा। और किचन के आधे काम यही हो गए, अभी तो यही हुआ था। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाम को मिस डिनर में आलू मिथौरी, कई लोग इसे मुंगौरी से भी जानते हैं, मतलब कई लोग इसको बोलते हैं पर हमारे यहाँ तो मिथौरी बोलते हैं। तो ये देखिए ये घर की बनी हुई मिथौरी है, तो ये आपको पता ही है कि तेल पहले गर्म कर लो, तो इसको भून लेते हैं, उसको भून लो उसके बाद मसाला डाल देते हैं, हम मसाला डाल के बनाते हैं। मसाला में क्या है, जैसे ये देखिए हमने प्याज और लहसुन और ये अदरक का पेस्ट बना लिया है और फिर हम करते हैं, तो इसी तरीके से हम सिंपल बनाते हैं सब्जी, तो बस वही बनाने जा रहे हैं। और इसके संग चावल अच्छे लगते हैं, तो चावल आजकल मैं आपको बता रही ना मैं भगोने में बना रही हूँ क्योंकि मैं इसका वो स्टार्च निकाल सकूँ, तो इसका स्टार्च निकाल दूंगी और बस फिर रोटियाँ। बहुत गर्मी है एकदम, समझ ही नहीं आता है। मैंने देखिए मिथौरी जो है हमारी ये फ्राई करके निकाल ली है तल के, और इधर मैं मसाला पकाऊंगी। देखिए हमने टमाटर डाल दिया है और मसाले ने हमारे थोड़ा सा तेल छोड़ दिया, इधर ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये हम आलू ऐड करेंगे इसमें। आप लोग को पता ही होगा यार, आप लोग तो बनाते ही रहते होगे, ये इधर यूपी साइड की तो ये एमपी में भी बहुत खाई जाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और इसमें मैंने ये डाल दिया है, इसको अच्छे से थोड़ा सा आप भून लो, और इसमें आप ऐड कर दो पानी,
पानी मैं ऑल ऐड करूंगी जो मिक्सर में मैंने पीसा था ना टमाटर। थोड़ी फंसी फंसी सी सब्जी हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा खाते हैं, ये देखिए इस तरीके से बन गई। और लास्ट इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह डाल दिया है, लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे और हमारी सब्जी बंद करने के लिए तैयार है। तो हमारी ये देखिए सब्जी बन के रेडी है। तो हमने काट दिया है प्याज, थोड़ा सा राइस और रोटी। तो बस आज का खाना डिनर में यही है, चलिए चलते हैं। खाना वगैरह सब हो गया है, डिनर हो गया है, बहुत लेट हो गया है, मीन्स अभी बच रहे हैं रात के 10:30। और बस मैं यही कहूँगी कि मैं आज इसको वेट को ना पूरा मॉनिटर करूँगी, मीन्स इसका बार बार मैं टेम्परेचर लूँगी और सब सही रहे। नहीं मेरे को चिंता नहीं हो रही, बट चिंता वाली बात है, किसी को भी एक तो ज़्यादा चिंता बच्चों की वजह से हो जाती है कि छोटे बच्चे हैं तो, क्योंकि मौसम बदल रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। नहीं तो फिर अगर अगर आज रात में एक बार फिर से भी अगर इसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, थोड़ा सा भी फीवर आता है, तो कल सुबह फिर मैं फिर से जाऊँगी डॉक्टर को, उसको दिखा दूँगी। और आज मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, मीन्स ये मेरे को 4-5 डेज पहले रिसीव हुआ था पैकेज। आपको पता है कार्टन में थोड़ा वायरस का ज़्यादा लॉन्ग स्टे रहता है, मतलब ज़्यादा दिन रुक सकता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ अलग कर देती हूँ। इसमें मैंने मंगाया था सैनिटाइज़र, तो इसकी पैकिंग लगभग खुली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मुझे एक अच्छी डील दिखी थी, डाबर का ये सैनिटाइज़र है, और ये देखिए ये पूरा 500 ml का है, 500 ml का सैनिटाइज़र जो डाबर की थोड़ी कंपनी अच्छी नहीं। तो अभी आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप कहीं से भी लोगे ना तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा आप चूज़ करो कौन सा नहीं करो, सब वो लाल पीले नीले एक साथ सब दिख रहे हैं। और डिटॉल और उनका सैनिटाइज़र ना वो मतलब ये स्प्रे वगैरह वाला ना हमें पतला चाहिए, लेकिन ये मैंने सोचा था ये पतला होगा, बट इसकी भी कंसिस्टेंसी ठीक है जैसे वो डिटॉल वगैरह का आता है। अगर आप ये पास से थोड़ा देख पाओ, ये देखिए अंदर, तो इस तरीके से है ये, बट पैकिंग अच्छी है और पूरा 500 ml है, जैसे कई बार होता है ना यहाँ तक है, और वही नॉर्मल है। ये मेरे को पड़ा था, ये इधर मेंशन तो है 250 rupees, अगर आप यहाँ पे देखो कि 250 rupees मेंशनड है, बट ये मेरे को पड़ा था शायद 235 rupees का अगर मैं बोलूँ, बट ठीक है अच्छा है। और मैंने दूसरी चीज़ ये मंगाई थी, एक्चुअली मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैं लेती हूँ पार्लर से ही लेती हूँ मैं, जो मीन्स जैसे हबीब वगैरह हैं वेला का लेती हूँ मैं यूज़ करती हूँ, मैं अपना शैम्पू नहीं ऑर्डर करती हूँ कभी भी, या मैं लोकल उससे नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक आप जो भी देखोगे ना इस टाइप की चीज़ें, अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा या तो आप ट्रस्टेड ब्रांड से करो, मतलब मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा पार्लर्स वगैरह में भी बताया गया है, तो फिर अभी तो जा नहीं सकते, 4 महीने हो गए पार्लर गए हुए। तो मैंने ये मंगाया था सनसिल्क, ये देखिए मैंने पूरा खोल दिया है, बहुत अच्छे से ऐसे एकदम पूरा खोल दिया है। मैंने मंगाया था एक सनसिल्क का शैम्पू, ये भी एक मेरे को एक अच्छी डील में मिल गया था, मैंने कहा एटलीस्ट तब तक जब तक वो सब नहीं स्टार्ट होता है तो एक नॉर्मल सा शैम्पू मंगा लेते हैं। तो ये मेरे को ये है 650 ml का, और मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है जो इस टाइप के शैम्पूज आते हैं, तो ये मेरे को पता है कि सनसिल्क ये लाइट सा होता है, ये पिंक वाला, तो बस मैंने यही मंगा दिया था। तो ये देखिए ये है 310 rupees का पड़ा, ये मुझे एग्जैक्ट इसी अमाउंट नहीं 295 rupees का पड़ा, इसमें भी कुछ मेरे को ऑफ मिला था तो 295 rupees का पड़ा है, और 610 ml है, खूब यूज़ करो खूब सर धुलो। और बाकी तो आप हाल देख ही रहे हो कैसा हो गया, वो जाएंगे वो तो बाद की बातें हैं कहाँ हैं, बट तो ये मैंने 2 चीज़ें अमेज़ॉन से मंगाई थी। और चलिए मैं आज का ये जो छोटा सा ब्लॉग है ये यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा प्रे करिएगा कि उसको फीवर ना आए दोबारा, तो अच्छा रहेगा, मैं भी खुशी से आगे थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, नहीं तो मेरे को ना अभी दिमाग में वही टेंशन थोड़ी सी रहती है कि अरे यार क्यों हो गया कैसे हो गया क्या है, क्योंकि कोशिश करके तो सारी चीज़ें अवॉइड करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, लव यू, बाय बाय, और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स देते रहिए।